डियर स्टूडेंट्स वेलकम। अज का अपना टॉपिक है व्याकरण की सिक्ख्या के उद्देश कि व्याकरण जो असी स्कूल लैवल पर पढ़ाने तो कि उद्देशों ध्यान रख के पढ़ाने। बट सब तो पहले असं गल करा व्याकरण दरिभाषावान की। महर्षि पाणिनि दे पतंजलि के अनुसार व्याकरण शब्दों का अनुशासन है। मीन जे जो शब्द ने उन्होंने अनुशासन के बनया जाता है। हैजलिट के अनुसार व्याकरण भाषा की विशेष तरह की संरचना का वर्णन है। नैक्सट जैगर के अनुसार प्रचलित भाषा संबंधी नियमों की व्याख्या व्याकरण कहा जाता है। मीनज जे नियमों एक भाषा के फॉलो किया जाता है उन्होंने व्याकरण कहा जाता है। डॉक्टर स्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। व्यवहारिक मीनज जो असं प्रैक्टिकली अनालिसिस करते हैं। नैक्सट हूँ असं गल करा व्याकरण की सिक्ख्या के उद्देश। सब तो पहला है शुद्ध और स्पष्ट भाषा लिखनी पढ़नी सिखानी। मीनस व्याकरण नूं इसलिए सिखाया जाता है, इसलिए पढ़ाया जाता है स्कूल लैवल ते कॉलेज लैवल ते, तां जो जिहड़े बच्चे ने वो भाषा नूं शुद्ध ते स्पष्ट रूप दे विच लिखना ते पढ़ना सीख सकन। दूसरा है उच्चारण नूं शुद्ध करना। अगला उद्देश कि जिहड़े बच्चे ने वो अपना उच्चारण शुद्ध कर सकन, क्योंकि जोड़े भाषा दे व्याकरण दे विच नियम दित्ते गए हुंदे ने, किसी भी भाषा नाल संबंधित ने, वह भाषा नूं शुद्ध रूप प्रदान करते हैं ते जानकारी देंगे ने कि भाषा का शुद्ध रूप केड़ा है। नैक्सट है शब्द जोड़ों दिया अशुद्धियां दूर करना। हुण बहुत सारे जिहड़े शब्द ने इस तरह जिहदे च असीं मिसटेक्स करते हैं, तो जदों असीं व्याकरण की सही जानकारी रखते होवांगे तो असीं इन्हां शब्द जोड़ने जिहड़े गलतियां ने ते जिहड़ियां अशुद्धियां ने इन्हां नूं दूर कर सकांगे। नैक्सट है वाक बणतर दे नियमां तों जाणू करवाउणा। अगला उद्देश कि जिहड़ा वाक है वह स्ट्रक्चर के बणतर किस तरह की होंगी वो नियमों तो जाणू करवाना भी एक मुख्य उद्देश है। जिमें कि वाक की बणतर की होंगी है, करता प्लस कर्म प्लस किरिया। पंजाबी जेकर असी गल करते हैं तो वाक की बणतर करता प्लस कर्म प्लस किरिया। हुण ये जिहड़ी जानकारी सानूं कित्थों मिलती है, व्याकरण तो। मीन जिहदे नाल असी जिहड़े सही वाक बणतर है जिहड़ा वाकां दा स्ट्रक्चर है वो नियमों तो भी जाणू हुंदे आ। नैक्सट है भाषा के टकसाली ते म्यारी रूप तो जाणू करवाउणा। अगला उद्देश कि जिहड़ी एक भाषा भावें पंजाबी हिंदी इंग्लिश असीं किसी की भी गल कर लिए उहदे च व्याकरण सिखाउण दा जां पढ़ाउण दा मुख उद्देश यह हुंदा है कि जिहड़े विद्यार्थी ने असीं उहनां नूं भाषा दे जिहड़े टकसाली ते जिहड़े म्यारी रूप है उहदे तों जाणू करा सकीए। मीनस एक रूप जिहड़ा असीं आम बोलचाल दी भाषा दे विच वरतदे आ ते एक जिहड़ा सानूं लिखती रूप दे विच जिहदा कि शुद्ध रूप हुंदा है उहदे तों जाणू करवाउंदी है भाषा व्याकरण। नैक्सट है भाषा के वख वख कौशलों ते हुक्मों की सिक्ख्या देनी। हुण भाषा के अलग अलग तरह के कौशल हुंदे ने, जिवें कि बोलना सिख, ठीक है जी, पढ़ना लिखना। हुण ये सारे की ने, कौशल ने। हुण वख वख कौशल भाषा नाल संबंधित ते हुक्मों की जिहड़ी सिक्ख्या वह भी व्याकरण की सिक्ख्या के उद्देशों के विच शामिल है। नैक्सट है विद्यार्थियों नूं रचनात्मक भाषा तो जाणू करवाउणा। रचनात्मक भाषा कि होंदी है, जिहदे च असीं कुछ रच सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। मीनज विद्यार्थियों नूं जिहड़ी भाषा उहदे तों जाणू करवाउणा तां जो जिहड़े विद्यार्थी ने उह खुद भी कुछ क्रिएट करन दे योग हो सकन, कुछ नवां लिख सकन। जिवें कि कोई कविता पढ़ी है बच्चे ने, तां जेकर बच्चे नूं व्याकरण की सही जानकारी होएगी तां ही उह खुद कुछ नवां क्रिएट कर सकेगा। भाषा की व्यवहारिक वरतों सिखाउणा। हुण जिहड़ी भाषा है इहदी व्यवहारिक वरतों सिखाउणा भी व्याकरण की सिक्ख्या का एक मुख्य उद्देश है। व्यवहारिक वरतों मीनस असी जो डेली लाइफ के भाषा वरतते हैं, क्योंकि जिहड़ी साडी बोलचाल की भाषा है वो तो जिहड़ी साडी लिखती भाषा इन दोवां भाषा के फर्क हुंदा है। बट जिहड़ी व्यवहारिक तौर पर असी भाषा वरतते हैं वो भी असी जिहड़ी शुद्धता वह लैके आनी हुंदी है, तो जिहड़ी शुद्धता वह किवें आएगी व्याकरण की सिक्ख्या के नाल। नैक्सट है शब्द बणतर के नियमों तो जाणू करवाउणा। मीनज जिहड़े शब्द ने वह किस तरीके बनते हैं, जिमें कि असी लिख रहे हैं यही लिखा शब्द। हुण ससा पैर बिंदी बब्बा दा शब्द, हुण ये अक्षरां दे जोड़ तो बने है। मीनस इकले इकले इहदे विच अक्षर ने जिन्हां नूं मिला के एक जिहड़ा शब्द है वह बने। हुण असी ये नहीं है भी कई शब्द इस तरह के हुंदे ने जिवें कि अंगा, अगर असी उन्हें पहला लगा देंगे जां नाणा पहला लगा देंगे तो कोई जिहड़ा शब्द है वह नहीं बनेगा। मीनस ये सारे जिहड़े नियम ने वह व्याकरण ही सानूं इस तरह की जानकारी दिंदी है। नैक्सट है धुनिया की भाषाई बणतर की जानकारी देना। हुण जिहड़ियां धुनिया ने वह किवें बनदियां ने, मीनस अक्षरां नूं मिला के जदों
नाल मात्रा लगती तो वो अकॉर्डिंग सानू जी कोई धुनी है जी आवाज़ है वह सानू पता लगता है किड़े अखर में जड़े शब्द को असी किस तरीके उचारना है तो किस तरह जी धुनी है वह पैदा होंगी है। अगला है विश्राम चिन्हों की सही वरतों करनी सिखाना। अगला उद्देश व्याकरण की सिक्ख्या का कि जिहड़े विश्राम चिन्ह ने बच्चों असी उन्हां दी सही वरतों करन बारे सिखाउणा, क्योंकि जेकर असी कोई भी विश्राम चिन्ह भावें डंडी कौमा कोई इनवर्टेड कौमाज ने कोई जिहड़े एक्सक्लेमेशन मार्क्स हुंदे ने असी उन्हां दी वरतों सही थां ते ना करके किसी होर थां ते करांगे तां सारा जिहड़ा वाक है वह चेंज हो जाएगा। इस करके विद्यार्थियों नूं विश्राम चिन्हों की सही वरतों करनी भी सिखाउणा इहदा एक मुख्य उद्देश है। नैक्सट है मुहावरे ते अखाणां दे प्रसंग अनुकूल वरतों करन दी योग्यता विकसित करनी, मीनज जिहड़े बच्चे ने वह मुहावरे ते जिहड़े अखाण ने उन्हां नूं कित्थे सही तरीके नाल वरतना है ते की इहनां दा अर्थ निकल रहा है, इस तरह की योग्यता विकसित करना भी व्याकरण की सिक्ख्या का एक मुख्य उद्देश है। भाषा संबंधी रुचियां विकसित करना। अगला उद्देश कि जो भाषा है उहदे नाल संबंधित बच्चों जिहड़ियां रुचियां ने वो डिवैलप करनियां ने, क्योंकि किसी भी भाषा नाल संबंधित असी रुचियां बच्चे दे विच उदों डिवैलप कर सकते हैं उदों ही विकसित कर सकते हैं जदों असी बच्चे नूं व्याकरण की जिहड़ी सही जानकारी है वह दित्ती होएगी। नैक्सट है व्यवहारिक व्याकरण तो जाणू करवाउणा। व्यवहारिक व्याकरण मीनस जो असी आम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं बोलचाल दे विच वरतदे हां तां उस व्याकरण तो जाणू करवाउणा भी व्याकरण की सिक्ख्या का एक उद्देश है। नैक्सट है भाषा के गुणों ते दोषों नूं परखण की योग्यता विकसित करनी। अगला उद्देश के एक जिहड़ी भाषा उहदे विच किहड़े किहड़े गुण ने ते किहड़े दोष ने उहनां नूं परखण की योग्यता भी बच्चों के पैदा करनी है तां जो जिहड़े बच्चे ने उह भाषा के शुद्ध ते अशुद्ध रूप बारे जाण सकण। डियर स्टूडेंट्स, इसी व्याकरण की सिक्ख्या के उद्देश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।